हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। तो आज मैं आपके साथ अपनी जो हैंगिंग बास्केट हैं, जो मैंने पॉट्स लिए थे उनमें प्लांट्स लगाए थे, उनकी वीडियो शेयर कर रही हूँ और किस तरह की ये हो गए हैं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और इनको मैंने किस तरह से हैंग किया है, एक जुगाड़ लगा के, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहले तो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और यहाँ पे आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं। नई नई शूट्स जो है इसके निकल रही हैं ऊपर की तरफ, और ये साइन है कि आपका जो प्लांट है वो हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहा है। और यहाँ से आप देखिए, ये कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुई है। और इसी में मैंने देखिए यहाँ पर एक प्लांट की कटिंग लगाई है जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ हार्ट। तो इसकी दो पत्तियाँ लगाई थी मैंने, अभी देख सकते हैं आप यहाँ से नई शूट जो है निकल रही है। तो अभी मैं निकालूंगी नहीं, क्योंकि हर बार मैं इसको निकाल लेती हूँ या किसी वीडियो में कोई दूसरा प्लांट जिसकी कटिंग लगाई होती है तो मैं उसको निकाल लेती हूँ, लेकिन अब मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो ये भी एक तरह की तकलीफ देना होता ही है किसी पौधे को, क्योंकि पौधों में भी जान होती है, अगर हम इनको इस तरह से बार बार छेड़ते हैं तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो आगे से मैं इस बात का ख्याल रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये एक पर्ल जो है इसका गलना स्टार्ट हो गया, तो इसको भी अभी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये बारिश में पड़ा हुआ था, मतलब इस पे बुछारें पड़ती हैं हल्की हल्की। वैसे बाकी तो ठीक है, हेल्दी लग रहा है, तो कई बार ये कदा हो ही जाता है। तो ये तो है पहला, और अभी ये देखिए दूसरा जिसमें मैंने लगाए हुए हैं स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स। तो ये सब जो है स्ट्रिंग है इनके आगे, तो मैं थोड़ा सा जब वीडियो शूट करती हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूज या पजल हो जाती हूँ। तो यहाँ पर इसी के साथ मैंने एक सीडम की वैरायटी लगाई हुई है, तो ये भी अभी अच्छे से कटिंग इसकी चल पड़ी है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे से इसके जो शूट्स हैं वो निकल रही हैं। तो इन दोनों को मैंने साथ में ही लगा दिया था। तो ये येलो कलर की हैंगिंग बास्केट है। अभी जो बढ़ते हैं तीसरे पॉट की तरफ, जो कि है डॉल्फिन, स्टिंग ऑफ डॉल्फिन। इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है, इस पे एक प्रकार के ना कीड़े से लग रहे हैं ब्लैक ब्लैक, वो मैं उनको निकाल भी रही हूँ, वो फिर से अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इनकी जो शूट्स है ना, बहुत मतलब कि अच्छे से टच वुड ग्रो कर रही हैं। तो देखते हैं कब तक रहती हैं, तो क्योंकि प्लांट्स का कोई भरोसा नहीं है कब ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए एक और इसकी शूट जो है निकली हुई है, यहाँ से भी काफ़ी सारी इसकी जो शूट्स हैं वो निकल रही हैं। तो ये जो प्लांट है ये भी मैंने कटिंग ही ली थी, छोटी सी कटिंग ली थी, मुझे आइडिया नहीं था कि ये बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा मेरे पास जब मैं लेकर आई थी। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है सकुलेंट का, उसी के बेस पे हम अपनी जो ओपिनियन है वो बना लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है मौसम पे। तो यहाँ पे ये है थर्ड पॉट, और अभी बढ़ते हैं फोर्थ और लास्ट पॉट की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छे से भर गया है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने इंच प्लांट और सीडम की वैरायटी लगाई हुई है, और काफ़ी अच्छे से ये बढ़ रहा है और बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा है। तो ये जो प्लांट है ये भी मुझे ऐसे ही लगता रहता है कि अभी ख़त्म हो जाएगा, अभी ख़त्म हो जाएगा। ये जो इंच प्लांट है इसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि ये देखने में कुछ ऐसे ही है इसकी जो ग्रोथ है, कि जैसे इसकी डंडियाँ गल रही हों या पत्ते गल सड़ रहे हों, तो ये हमेशा ऐसे ही लगता है मुझे। तो बाकी टचवुड अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक है, दूसरे पॉट में भी अच्छे से चल रहा है। तो इसमें मैंने इसकी कुछ प्लांट्स जो लगाए थे दूसरे पॉट में से निकाल के, तो अच्छे से चल पड़े हैं। तो सीडम भी आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे से चल पड़ा है, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए अब बारी है जो मैंने जुगाड़ लगाया है। तो हस्बैंड को मैंने बहुत कहा कि मुझे इसकी रोप जो है बांध दीजिए, तो मुझे इसको अपनी बैल्कनी में हैंग करना है, लेकिन वो नहीं माने। तो वो बोले कि या तो कुछ अच्छे से ऐसे कुछ आयरन का या कोई लंबी सी स्टिक हो तो वो अच्छा लगेगा उस पर लगा हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्पेस है जिस पे मैं चाहती थी कि हैंग करें और दिखाई दे, क्योंकि पूरी बालकनी जो है भरी हुई है कुछ प्लांट से और कुछ किचन के सामान से इस तरह से।
अभी दिखाती हूँ कि मैंने इनको किस तरह से हैंग किया हुआ है। ये देखिए नीचे से भी पूरा फिल है और इसी के ऊपर ये थोड़े से गैप पे है ये मेरी हैंगिंग बास्केट और ऊपर भी पूरा बुक है। तो ये जो लगी हुई है ग्रिल यहाँ पर इस तरह से कुछ मैंने ये बैम्बू की मेरे पास स्टिक थी जो कि मैंने आज दोनों तरफ से इस तरह से टाई की है तो इसको सीधा ही मैंने ऐसे बांधा हुआ है और इसके इसके ऊपर मैंने हैंग कर दी है ये अपनी हैंगिंग बास्केट। तो इस तरह से मैंने कुछ छोटा सा एक जुगाड़ लगाया है। नॉर्मली कोई ज़्यादा बड़ा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी तो कॉमन सी चीज़ है लेकिन मैं चाहती हूँ कि अच्छे से प्रॉपरली जैसे कुछ मुझे सिस्टम हो जैसे ये ऊपर की तरफ हैंग करें मतलब जो ऊपर खाली स्पेस है मेरी बालकनी की छत के नीचे तो दूर से देखने में भी अच्छी लगेंगी क्योंकि हमारी जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर नीचे नीचे ही हैं और मैं चाहती हूँ कि ऊपर ऊपर भी हों थोड़ी बाहर वाले को देखने में बाहर से भी सुंदर लगे तो है ना। तो यहाँ पर ऐसे लोग कम ही प्लांट लगाते हैं तो जितने भी लगाते हैं पॉट्स में ही लगाते हैं तो मैंने किसी पे भी नहीं देखी है किसी ने हैंग की हो और इसलिए मैं चाहती थी कि कुछ अलग सा हो जाएगा और देखने वालों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये छोटा सा जुगाड़। आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक कर देना। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।